ध्यान से देखना, केस थ्री क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का? केस थ्री है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 30,000, रिजर्व कितना था आपके पास 30,000, क्लेम कितना राइज हुआ 30,000, पूरा का पूरा रिजर्व यूज हो जाएगा। कुछ बचा आपके पास? नो सर। नो। इफ द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, द एंटायर रिजर्व will be used to settle the claim. तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। पूरा 30 का 30 रिजर्व से कहां ट्रांसफर हो जाएगा? क्लेम में। पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला, कुछ बचा ही नहीं रिजर्व। जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो लाइबिलिटी साइड पे क्लेम आ जाएगा 30,000। इजी? कोई भी डाउट? चल सकते हैं आगे। यस सर। ओके, लास्ट केस क्या हो सकता है? रिजर्व था 30,000 का, क्लेम आ गया 45,000 का। रिजर्व कितना था? 30,000, क्लेम आ गया 45,000 का। क्लेम इज मोर देन द रिजर्व। आपने प्रोविजन बना रखा था, रिजर्व बना रखा था 30,000 का, तो 30,000 का तो रिजर्व यूज हो जाएगा। 15,000 का एडिशनल लॉस हुआ, यस सर। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एडिशनल लॉस। ये सारे लॉसेस, रिविजन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, किसके थ्रू रूट करा जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। केस फोर ध्यान से देखेंगे। इफ द क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज मोर देन द अवेलेबल रिजर्व, द एडिशनल लॉस विल बी मेट आउट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इट विल इवेंचुअली बी एडजस्टेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। कितना रिजर्व था आपके पास? 30,000, वो तो पूरा का पूरा यूज हुआ ही हुआ। एडिशनल लॉस कितना हुआ? 15,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो टोटल क्लेम कितना है? 45,000। टोटल क्लेम कितना है? 45,000। रिजर्व वाइप्ड आउट, एडिशनल लॉस 15,000। तो ये जो एडिशनल लॉस 15,000 है, ये कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए कितना बेयर करेगा? 7,500। बी 5,000। सी 2,500। जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो अब आपका क्लेम कितना है? 45,000। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे 45,000 आ जाएगा एज क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ये है पॉसिबल केसेस ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एक और केस हो सकता है कि रिजर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आपके पास कोई रिजर्व ही नहीं था, बैलेंस शीट में कहीं रिजर्व नहीं आ रहा, और नीचे अगर एडजस्टमेंट में आता कि देर वॉज अ क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन, या किसी एम्प्लॉय को चोट लग गई, देर वॉज अ क्लेम ऑफ 10,000, जीरो रिजर्व था, जितना भी क्लेम आया पूरा का पूरा लॉस है आपका, यस और नो? यस सर। इंक्रीज इन लाइबिलिटी की तरह ट्रीट हो जाएगा रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो जो 30,000 के रिजर्व के अगेंस्ट 45,000 की लाइबिलिटी आई है, तो जीरो के अगेंस्ट 10,000 की आएगी। तो जो यहाँ पे 15,000 की ट्रीटमेंट हुई थी कि रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू क्लेम, वैसे ही वहां पे अगर कोई रिजर्व नहीं है और क्लेम अगर आ जाए तो वो इंक्रीज इन लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू द लाइबिलिटी, और फिर जो लॉस हुआ है वो पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर की ट्रीटमेंट सिमिलर है क्योंकि लॉजिक वही है, बट दो बहुत अलग चीजें हैं, ट्रीटमेंट कॉमन लाइन पे है। अंडरस्टैंड करेंगे, याद नहीं करेंगे।